studying in first year. I love tennis. मेरी लड़की प्रीटम हुई थी वो बर्थ वेट उसका 1 kg था जो हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी वहाँ पे सुभद्रा मैम एवरी ट्यूसडे आके चेकअप करते थे उन्होंने बताया कि इसको आई इन्फेक्शन हुआ है आप इसे एलवी प्रसाद में लाइए फर्स्ट टाइम पूरी फैमिली में मुझे ही प्रीटम बेबी हुई थी उसके बाद ये इन्फेक्शन हुआ फिर मैडम ने जोर दिया नहीं नहीं अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इसकी आई लॉस्ट होने के चांसेस है वो बोले कि ये रेटिनल इन्फेक्शन है ये दोनों आईज में बढ़ सकता है फिर उन्होंने 2 बार इसकी सर्जरी की उसको काफ़ी सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हुए थे हियरिंग एड लगाती है एक टाइम तो ऐसा था कि उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता था इग्नोर नेग्लेक्टेड चाइल्ड के जैसी ही थी वो उसके पापा ने उसको लॉन टेनिस में उसको ज्वाइन करवाया मैं थैंकफुल हूँ गॉड को कि ने इतने करोड़ों में मुझे चुना कि हम इसकी टेक केयर कर सकते गॉड के ट्रस्ट को प्रूफ करके बताना है कि वो गलत नहीं थे हम इसको कुछ ना कुछ बना के बताएंगे इनिशियली उसे कुछ उतना जल्दी पिक नहीं करती थी लेकिन डेली कर करके आज वो इस लेवल पे आ गई कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं सभी पेरेंट्स को ये करना कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा अगर आपको फील ऐसा लगता है कि टैलेंटेड नहीं है तो भी उसे सपोर्ट करते जाइए एक दिन आएगा कि वो पूरे वर्ल्ड को बताएगा कि मैं भी कुछ हूँ वी आर वेरी थैंकफुल टू सुभद्रा जलाली मैम क्यों उनकी वजह से इसकी आई प्रोटेक्ट कर सके नहीं तो शायद ये अपना विजन खो देती थी Initially, when she came, it was not really easy because whenever I used to talk about the style of hitting and I couldn't really figure out whether she was able to understand it and whether she could hear what I was saying. Slowly and slowly, she started playing good tennis. She's been playing state ranking tournaments, some All India tournaments. 2018 was a very good year for her. She went to Turkey. Where they conducted the world championship. There she was the only girl from India who could win a match against those foreign participants. I definitely hope in days to come she will do wonders. जिधर भी जाती हूँ सब ही लोग पूछते हैं अरे ये भवानी है ये भवानी के मम्मी है अब बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए उसके हम लोग के मन में एक फीलिंग आ गई कि शायद भवानी अपने पैरों पर खड़ी होती है